हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। हम आ गए ब्रांड न्यू वीडियो के साथ भाई। यहाँ पे पहले तो मैं नॉर्मल ड्रेस पहनी होती है, लेकिन भाई एक मम्मी सेट आया होता तो हमें भी मम्मी सेट पहनना पड़ जाता है। और ये भी भाई इधर ही फैक्ट्री पे उतरेंगे और हमारी इनसे फाइट भी होगी, और इनको क्या पता हम फाइट में बचा पाएँ या नहीं। तो मैं अपने टीममेट्स को बोलता हूँ भाई तुम लोग ऊपर उतरो, मैं इधर एक ही टीममेट होता है मलिक, तो मैं उसको बोलता हूँ भाई यहाँ से लूट करते हैं, फिर फैक्ट्री वालों को जो है ना जाते हैं। कैंप तो नहीं खैर करेंगे इधर सीधा भाई ना, गन शन लेके तो जाएंगे फैक्ट्री में। भाई हल्ला गुल्ला हो जाता है, गन शन ना मिले तो भाई गड़बड़ हो जाती है। जिसको गन मिल गई वही जो है ना फिर सबको पेल देता है। तो भाई यहाँ से गन उठाते हैं, गन शन मिल गई, और उसके बाद भाई यहाँ पे अभी देखना कि सीन क्या चल रहा है। एक बंदा नॉक पड़ा है, इसका किल उठाते हैं। ये किल उठाता हूँ और उसको बंदे को बजाता हूँ और हम आ जाते हैं इस वाली साइड। तो भाई ये वही मम्मी सेट वाला फिर रहा, और भाई S12 के इसके पास, तो बड़े ध्यान से खेलना पड़ेगा। तो मैं इधर से आता हूँ, रोटेशन देता हूँ भाई तुझे। तो फाइनली भाई यहाँ पे ये मम्मी सेट वाले को भी डाउन कर दिया है। तो भाई वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। तो इसके बाद भाई यहाँ पे अभी और भी बंदे हैं, इसको मारता बहुत है लेकिन मेरा टीम किल ले जाता है। कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। तो उसका मम्मी सेट भी मेरे टीममेट ने बैन लिया। उसके बाद भाई अभी बंदे इधर हैं, और बंदे ऐसे ऐसे बड़े हैं भाई कैंप किस्म के। तो यहाँ पे हम ढूंढ रहे होते हैं भाई बंदे किधर हैं, तो यहाँ पे तो कोई नहीं होता लेकिन फुटप्रिंट आ रहे होते हैं। तो ये मलिक वाला मैं किल कंफर्म करता हूँ। उसके बाद भाई मुझे पता चलता है कि ये इसके ऊपर बंदा बैठा है भाई, तो मैं जाता हूँ इसको चेस करने के लिए। और ये देख भाई सीजन 4 की आउटफिट पहनी हुई है भाई ने, और काम देख लो ऊपर है। काम कौन से कर रहे हैं ये मल्लों वाले। तो यहाँ पे जो है ना इसको भी डाउन कर दिया, अब नीचे जाते हैं इसको फिनिश करते हैं। भाई झूठ तो नहीं बोला, सीजन 4 की आउटफिट थी। तो यहाँ पे इसको भी फिनिश करते हैं। उसके बाद भाई इनका आखिरी बंदा गुस्से में आता है और इसके साथ प्रैंक हो जाता है, और यहाँ पे ये टीम भी ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद भाई अभी हमें पता चलता है कि फैक्ट्री में अभी बंदा बचे हुए हैं, तो भाई ये बॉड शॉट मार के उनकी लूट कर रहा होगा। इसको भी पकड़ते हैं भाई, इधर है भाई ये बाहर वाली साइड पे, यहाँ पे इसने बॉट को मारा और उसकी क्रेट लूट रहा है। और भाई साहब यहाँ पे इसको भी बजा दिया। अब भाई फैक्ट्री पूरी तरह से क्लियर है, यहाँ पे कुछ बॉट्स वगैरह होते हैं उनको निपटाते हैं और निकल लेते हैं। भाई बॉट भी आ जाते हैं ना, फिर उनको भी मारना चाहिए। तो यहाँ से अब निकलते हैं भाई। इसके बाद जो क्लच है ना वो आप जरूर देखना, मज़ा आने वाला है। 1v4 यहाँ पे होने वाला है, टीम में तो मर जाता है। और यहाँ पे जो है ना बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक 1v4 होगा, और काफ़ी टफ सिचुएशन बन जाती है क्योंकि मेरा टीममेट मर जाता है। और ये चार चार बंदे होते हैं भाई, इनको हैंडल करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन जैसे तैसे करके हम भाई नेड शेड हो रहे हैं। मैं यहाँ पे पहले अच्छी तरह हील कर लेता हूँ कि भाई फाइट लेने से पहले अच्छे से हील वगैरह कर लें। अभी ऊपर तो एक ही बंदा लग रहा है, ये दूसरा ये बाहर फिर रहा है, तो अभी देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। तो भाई पहले जाते हैं ऊपर वाले को पकड़ने के उपाय करते हैं। भाई ये बंदा ऊपर TTP ले रहा है, भाई TTP वाले के साथ थोड़ी सी होता है कोई सीन। आप ये देखो भाई सामने वाली साइड भी बन, थोड़ी सी यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाती है, और इसी चक्कर में मेरा टीममेट नॉक हो जाता है। और यहाँ पे इसको फिनिश भी डाल देंगे भाई, एम नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे अब मैं पहले हील करता हूँ इतने में, भाई अभी हील ही कर रहा होता हूँ। देखना सामने वाली साइड वो रोड के भाई बंदा, वो ज़रा सा बचा हूँ मैं। तो यहाँ पे फाइनली भाई ये बंदा इसको टीममेट को, और भाई अब ये वाला सीन आप इंजॉय कर। दूसरा भी डाउन,
ये तीसरा भी डाउन, अब बचा है एक ही बंदा और वो भी लो किया हुआ है, तो भाई जंप करता हूँ। ओ भाई सा 1v4 कर दिया हमने। और भाई इस वीडियो में ना 18 किल लॉबी थोड़ी हल्की होती है, वो इसलिए हालांकि डायमंड होता है, लेकिन पता नहीं क्या मेरे टीममेट का रैंक कम होता है इस वजह से या पता नहीं क्या ही सीन था, लॉबी जो है ना काफ़ी हल्की आती है। और यहाँ पे एक बंदा होता है, ये देखो ये एक ही रियल बंदा बचा हुआ है, तो ये सामने आ रहा है ड्रॉप लूटने, हम इसको पकड़ते हैं। बाकी तो बॉट ही है, लास्ट का भी बंदा अभी शायद बॉट ही निकलेगा, तो मैं उसको कोशिश करता हूँ भाई ग्रेनेड से मारेंगे, ये एक बॉट था तो इसको मारा। अब मैं इसको ट्राई करता हूँ कि ग्रेनेड से मारूँ, लेकिन भाई साहब ये ड्रोन से ही चला जाता है। तो इसी के साथ हमें 18 किल के साथ चिकन डिनर मिल जाता है। और उससे वीडियो आपको अच्छी लगेगी, अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और भाई ये देख लो डायमंड था, डायमंड 3 हो गया, तो लॉबी पता नहीं क्यों ही थोड़ी हल्की आई थी, लेकिन था तो डायमंड। तो होप से वीडियो अच्छी लगेगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।